हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बिग एजुकेशन। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड या अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक इट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पिछले टॉपिक में, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था अबाउट रिटन सोर्सेज एंड उसका इंट्रोडक्शन। बट इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ रिटन सोर्सेज। सो उसमें फर्स्ट पॉइंट है न्यूज़पेपर। थ्रू न्यूज़पेपर वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, पॉलिटिक्स, आर्ट, स्पोर्ट्स, लिटरेचर एंड सोशल एंड कल्चरल अफेयर्स। इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए हो किसी भी चीज़ की, तो वो आजकल न्यूज़पेपर से हमें ईजिली मिल जाती है। या एंड इंटरनेट के वजह से भी हम गूगल वगैरह पे सर्च करें तो मिल जाती है। बट गूगल पे भी हमें अगर न्यूज़ देखनी हो, कोई न्यूज़ पेपर रीड करना ज़्यादा प्रिफर करता है, सो उनके लिए न्यूज़पेपर बहुत बेस्ट ऑप्शन है। एंड हमें पूरे वर्ल्ड की, अपने कंट्री में क्या चल रहा है, एवरीथिंग वी गेट टू नो। पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, किसकी बाजी है, किसने बाजी जीती, कौन हारा, एवरीथिंग वी गेट टू नो। न्यूज़पेपर कंटेन मैटर्स रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। एंड ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर में खाली स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, आर्ट्स, ये सब के बारे में ही दिया रहता है, ह्यूमन लाइफ के भी बारे में दिया रहता है। आप सब सुने ही होंगे कि हमारे इंडिया में ही नहीं, बाहर की कंट्रीज़ में भी गर्ल्स बॉयज़ का बहुत मैटर हो जाता है। आइदर बहुत सारे ऐसे ऐसे पर्सनल चीज़ें होती है जो न्यूज़पेपर में दिखाई जाती है ताकि लोग बेटरली रहे, मतलब उनको अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो उस चीज़ को प्रॉपरली फेस कर सकें, ना कि उससे डर के भाग जाए। इसलिए वो न्यूज़पेपर्स में ऐसे ऐसे न्यूज़ डालते हैं, बिकॉज हमारी जो जनरेशन है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रहे। मोस्ट नेशनल न्यूज़पेपर हैव स्टार्टेड देयर रीजनल एडिक्शन। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में उन्होंने, मतलब रीजनल एडिक्शन, अपने एक टॉपिक पे लेके, या तो अपकमिंग मूवी, आइदर अपकमिंग स्टार, उनके बारे में भी डिटेल उन लोग पहले ही दे देते हैं। दे पब्लिश सप्लीमेंट्स दैट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस टॉपिक्स, न्यूज़ लेटर्स ऑफ वेरियस मोमेंट्स, द डेलिसिस और वीकलीसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मंथली एंड एनुअली मैगजीन्स आर इम्पोर्टेंट अमंग द प्रिंट मीडिया। सम न्यूज़पेपर प्रोड्यूस स्पेशल सप्लीमेंट टूवर्ड द एंड ऑफ द ईयर दैट टेक एन ओवरव्यू ऑफ द इम्पोर्टेंस इवेंट ऑफ द ईयर। कोई कोई न्यूज़पेपर एंड ऑफ द ईयर भी पब्लिश करते हैं जिसमें पूरे ईयरली क्या हुआ, पूरा ईयरली कैसे गया, बट दिस ईयर तो ऑफकोर्स पूरा कोरोना से ही गया है। सो उसमें ज़्यादातर हमें न्यूज़ कोरोना के ही देखने मिलेंगे। बट बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स की भी डेथ हुई, एंड देन बहुत सारे लोग भी मरे, कई उस चीज़ को ख़त्म करके आ गए। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें न्यूज़पेपर के द्वारा मिल जाती है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हमें ऐसे तो नहीं मिलेगी, बट न्यूज़ के ज़रिए, आइदर न्यूज़पेपर, आइदर ब्राउज़र, कहीं से भी हमें मिल जाती है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। आफ्टर 1953 द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्राइमरी डिटेल ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट इवेंट एंड ऑफ आर्टिकल्स ऑन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो इनका कैसा रहता है ना, एक परफेक्ट प्रेस रहता है, एक उनका ऑडिटोरियम रहता है जहाँ पे वो अपने न्यूज़ प्रिंट करते हैं एंड वहीं से लोगों के लिए पब्लिश भी कर देते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड रिपोर्ट्स, फोटोग्राफ्स, आर्टिकल्स ऑन फाइनेंशियल एंड साइंटिफिक इशूज ऑफ टू न्यूज़पेपर। PTI हैज़ नाउ स्टार्टेड इट्स ऑनलाइन सर्विस। अभी ऑनलाइन भी हमें न्यूज़ मिल जाती है, या तो वीडियो के ज़रिए, आइदर अगर हम गूगल पे सर्च करें देन ऑल्सो वी गेट टू नो द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाटएवर वी वांट टू नो। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड रिपोर्ट्स, फोटोग्राफ्स एंड आर्टिकल्स ऑन फाइनेंशियल एंड साइंटिफिक इशू टू न्यूज़पेपर।
PTI has started its online service. During the 1990s, PTI started using the satellite broadcast technology instead of teleprinters to send news all over the country. अभी तो इंटरनेट के वजह से भी सब कुछ पॉसिबल हो गया है, बट इंटरनेट भी तभी काम करेगा जब एक परफेक्ट सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट उसे मिले. देन ओनली द इंटरनेट विल एल्सो गोइंग टू बी वर्क. दिस मटेरियल इज इम्पॉर्टेंट फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. एंड ये जो सारे मटेरियल्स मिलते हैं, आज की न्यू, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, एवरीथिंग को मिला के एक हिस्ट्री क्रिएट होता है और वो सब हमें इसमें देखने मिल जाता है. सो हमारा थर्ड पॉइंट है पोस्टेज स्टैम्प्स. द पोस्टेज स्टैम्प डोंट ट्रिवल एनीथिंग ऑन देयर ओन. अभी पोस्टेज स्टैम्प्स तो सभी ने देखा होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कॉइन पे होते हैं, इधर बहुत पुराने पुराने कॉइन्स भी कोई कोई कलेक्ट करता है, तो उस पर सब चीज़ तो नहीं लिखा रहता है, बट या वो जो किसी किसी की हॉबीज़ होती है कॉइन्स कलेक्ट करना ओल्ड पुराने ज़माने की, उसे पोस्टेज स्टैम्प्स बोल सकते हैं. येट अ हिस्टोरियन मेक दैम स्पिक. देर हैव बीन सेवरल चेंजेस इन पोस्टेज स्टैम्प्स सिंस इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट. अभी पोस्टेज स्टैम्प्स में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. इंडिपेंडेंस के पहले भी चेंजेस हो रहे थे, अभी भी चेंजेस हो ही रहे हैं. पोस्टेज स्टैम्प्स रिवेल अ लॉट टू अस अबाउट चेंजिंग टाइम ड्यू टू द वैरायटी इन द साइज ऑफ द स्टैम्प, द नोवेल्टी इन देयर सब्जेक्ट एंड कलर्स की. एंड अभी स्टैम्प्स के साइज में भी चेंजेस हो रहे हैं. पहले वो छोटे होते थे, अभी बड़े आ रहे हैं, या तो पहले वो बड़े होते थे, अभी छोटे आ रहे हैं. उनके कलर स्कीम एवरीथिंग इट्स चेंजिंग बिकॉज जनरेशन जैसे जैसे आगे जा रहा है, उनको कुछ न्यू चाहिए, कुछ न्यू उनको देखना है, तो इसीलिए सब चीज़ों में चेंजेस आते जा रहे हैं. द पोस्टल डिपार्टमेंट इशू पोस्टेज स्टैम्प ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ थीम लाइक पॉलिटिकल लीडर्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स और इवेंट और द सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, ज्यूबली और सेंचुरी, बाई सेंचुरी, टेर सेंचुरी ऑफ डिफरेंट इवेंट्स. एंड बहुत सारे फ्लावर्स के भी स्टैम्प्स आ रहे हैं, बोर्ड्स के, एनिमल्स के, सेंचुरीज, फिर इवेंट्स के, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के स्टैम्प्स आ रहे हैं. इट इज़ देयरफॉर अ वैल्यूएबल रिपोजिटरी ऑफ हिस्ट्री. सो हियर आर फोर्थ पॉइंट इज मटेरियल सोर्सेज. द फॉलोइंग सोर्सेज आर इंक्लूडेड अमंग द फिज़िकल सोर्सेज. अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं मटेरियल सोर्सेज में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, वो सब हम इसमें देखेंगे. सो इधर दिया है मटेरियल सोर्सेज, कॉइन्स, प्लेस ऑफ वर्शिप, थिंग्स इन डेली यूजेस, रॉयल सील्स, ऑर्नामेंट, म्यूजियम्स, क्लोथिंग, मॉडर्न आर्किटेक्चर्स, तो ये सारे इंक्लूड हैं, तो अभी हम इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे. सो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा कॉइन. सो कॉइन आप सभी ने देखा होगा, सबको पता है कॉइन कैसे होते हैं, 1 रुपीज़ के होते हैं, 2 के होते हैं, 5 के भी होते हैं, इनफैक्ट अभी 10 रुपीज़ के भी कॉइन्स हैं. सो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, लेट्स सी. कॉइन्स, वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स एंड चेंज इन द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट. कॉइन्स के ज़रिए हम उनकी साइज, स्ट्रक्चर, आइदर अगर हमें वो कॉइन नहीं पसंद है, एंड कॉइन को देख के हम नोट्स में भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के चेंजेस कर सकते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट्स द नोट्स, बट RBI क्या प्रिंट करता है, ओनली नोट प्रिंट करता है, दे डोंट प्रिंट कॉइन्स. इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई. सो RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है, जहाँ पे नोट्स प्रिंट होते हैं, वो कहाँ पे है, मुंबई में. अगर आप में से कोई मुंबई में रहता होगा देन गो एंड विजिट, एक बार जाके आना बेटर होगा. ओके, सो द कॉइन फ्रॉम 1952 दोज यूज्ड एट प्रेजेंट द मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग दैम, देयर डिफरेंट शेप, द डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट ऑन दैम टुगेदर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट कंटेम्प्ररी इशू इन इंडिया. एग्जाम्पल, कॉइन टू कन्वे द मैसेज ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल एंड कॉइन्स कम्युनिकेटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑफ फार्मर्स. अभी आप सब जानते हैं कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन तो बढ़ती ही जा रही है, कम तो हो नहीं रही, बट बढ़ बहुत रही है, तो उसके हिसाब से पैसे भी लगते हैं. अगर किसी फैमिली में बच्चे ज़्यादा हैं, आइदर उनकी कंडीशन सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है,
तो उनको और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पे बच्चे दो रहते हैं वहाँ पे कम लगता है, बट जहाँ पे 5, 6, 7 बिकॉज इलिटरेट पीपल नहीं समझते कि हमें कितना हमारी वजह से पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है। बट अभी की जनरेशन थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, वो समझती है कि कैसे क्या होता है। बट आज के टाइम में पैसे का बहुत वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसीलिए मनी पॉपुलेशन के साथ साथ मनी की वैल्यू भी बहुत बढ़ती जा रही है। सो इधर हमारा सेकंड पॉइंट है,